सड़क किनारे मिला युवक का शव, क्षेत्र में सनसनी। नगर पालिका पार्षद पद के प्रत्याशियों के फार्मों को की गई स्क्रूटनी। बीजेपी में मची भगदड़, आज चौथे चरण में अनेक पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया पार्टी से इस्तीफा। वोट की खातर खच्चर पर सवारी। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। लगातार कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता सत्येंद्र साहू के द्वारा अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा सौंप दिया। पार्टी सहित समाज के विभिन्न पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं जनसंघ से जुड़े नेता हों या फिर पूर्व महामंत्री, अनेक पदाधिकारी ऐसे थे जिनके द्वारा भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर जो भ्रत था उसे यह इस्तीफा सौंपा गया। इस्तीफा सौंपने वालों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। आप बोल दो, कोई व्यक्ति इस्तीफा ठीक है अध्यक्ष जी। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से बिकाऊ हो गई है, पैसों वालों की पार्टी हो गई है। मैं गरीब कार्यकर्ता हूं और गरीब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में झाड़ू लगाने वाले, चाय बेचने वाली प्रधानमंत्री बने मेरी समाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जाति के तेली हैं। लेकिन यहां कुछ जगह ऐसा दिख रहा है मध्य प्रदेश में, खासकर हमारे दमोह जिले में, वरिष्ठों का ना कोई सम्मान है। नए नए लोग आते हैं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, कोई अपने धंधे बचाने के लिए, कोई अपने बिजनेस बचाने के लिए, कोई अपने अवैध संबंध बचाने के लिए। जनसेवा से कोई मतलब नहीं है। कई आग्रह किया मैंने पदाधिकारी को, जिलाध्यक्ष जी को, नगर अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी यहाँ से सबसे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रहे हैं तो मैं कैसे ले सकता हूँ। मैंने भाई कार्यकर्ता के रूप में आप ले सकते हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, यहाँ के जो पीउन चपरासी हैं, क्या नाम बताया, प्रजापति जी हैं, उनसे मैंने उनका वेतन का पूछा, आपको कितनी वेतन मिलती है। उन्हें हमें 4,000 वेतन मिलती है। मैंने एक दिन का वेतन आपको मैं अपनी तरफ से आज दूंगा, मेरी तरफ से भोजन करिए। मैंने उनको माला पहना के स्वागत किया, क्योंकि वो भी एक परिवार के सदस्य हैं, चाहे पदाधिकारी हो चाहे पीउन हो, है तो मानुष। मैं उनका सम्मान करते हुए मैंने उनको अपना त्याग पत्र सौंपा। आपकी शिकायत जिला बीजेपी से, पूरे प्रदेश में मेरी, जिला भारतीय जनता पार्टी से लेकर ऊपर नेतृत्व तक जो सिस्टम चल रहा है, सब वहीं से तो सिस्टम बिगड़ा है। जो ऊपर से खरीद फरोख तो सब चल रहा है, वो सिस्टम नीचे तक जहर वही तो फैल रहा है, तो सिस्टम का मैं विरोध करता हूँ। 1990 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, विभिन्न पदों पर रहा। 32 साल में मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की, ओबीसी होने के कारण मैंने टिकट मांगी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दी। जबकि मैं क्षुब्ध इसलिए हो गया कि यशपाल ठाकुर कल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, उनको टिकट मिल गया। हम 32 साल से पार्टी में हैं, हमें टिकट नहीं मिला, इस कारण से हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। देखने लायक होगा पार्टी इस पर कब तक विराम लगाती है। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज, दबाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव का शुरू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ग्रामीण अंचल में लगातार अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही है। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए शराब भी बांट रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रत्याशी के समर्थक कुछ ऐसा करते हैं जो मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। ऐसा ही मामला आया जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत सगरा से, जहाँ पर एक युवक खच्चर पर बैठकर प्रचार कर रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना,
खच्चर पर बैठकर प्रचार कर रहा है। बताया जाता है कि लोगों से वोट डालने की अपील करने के साथ अपने प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रहा है। वोट की खातिर खच्चर की सवारी, संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। सातपुर गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव देखा गया, जिसके शरीर पर काफी गंभीर चोटों के निशान थे। युवक की मौत हो चुकी थी। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बाद में युवक की पहचान पर्वत लोधी के रूप में की गई। परिवार के लोगों को बुलाया गया। ग्राम कोटवार के द्वारा पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले में जांच शुरू की। 23 वर्षीय नव युवक का शव यहां पर देखा गया। साथ ही यहां पर एक गाड़ी का मास्क पड़ा था, जिस पर एक जिला पंचायत प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची, मास्क के टुकड़ों को जब्त किया गया। पंचनामा करने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। क्या कहते हैं परिजन, आइए जान लेते हैं। किस गांव से हैं? सातपुर। क्या घटना हुई है? तो सुबह पुलिस कोटवार आया हमारे घर पर, तुम्हारा भैया वहां पर डरा है। तो हम लोग गए वहां पर, तो भैया को देखो तो भैया तो ख़त्म हो गए, और गाड़ी का मार्क्स है, मोटरसाइकिल का मार्क्स है। तो उसमें कटारे महाराज का, कटारे महाराज जिला का पंचायत फार्म भरे हैं ना, चुनाव लड़ रहे हैं जिला का। तो मार्क्स, गाड़ी के मार्क्स पर कटारे महाराज का चिन्ह चिपका था, पतंग वाला। तो हम लोगों ने, भैया तो ख़त्म हो गया था, गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ पर हती नहीं। तो फिर हमने पुलिस को जो सूचना दी, तो पुलिस मार्क्स ले आई, तो उन्होंने देखा तो गाड़ी के मार्क्स था, उन्होंने मोटरसाइकिल के मार्क्स रख के पन्नी में, और सबको पता है कटारे जी का इसमें पंच वो चिपका है, प्रचार का जिला सदस्य का फार्म भरे ना, और चल रहा हमारे यहाँ प्रचार। पुलिस को सूचना कब दी? सुबह दी हमने, 6 बजे और 7 बजे पुलिस आ गई। कितनी उम्र होगी भैया की? 23-24 साल है भैया की। क्या नाम था? पर्वत। पिताजी का? जस्सू। कहाँ की घटना है? ये हमारे गांव के पास 1 किलोमीटर आगे मंदिर है माता का, कनौला रोड के, वहीं पर घटना है। अभी कहाँ पर लाए हैं आप लोग? अभी ले हम बटियागर ले आए हैं, पुलिस ने कह दी जाओ पोस्टमार्टम करो, उसका सब चल जाएगा पता। चौकी प्रभारी हरचंद दुबे से हमने चर्चा की। सातपुर में, सातपुर में एक लड़का खत्म हो गया है लोधी समाज का। तो सुबह जानकारी मिली, परिवार वालों ने बताई, तो हम लोग पहुँचे, तो एक लड़का खत्म मिला था बीच रोड पर। तो ये क्या वाहन से हो सकता कि टक्कर लगी हो, और अपने को तो जानकारी नहीं, वो तो PM में बताया जाएगा, परिवार वाले तो बता रहे कि एक्सीडेंट। कितनी उम्र होगी लड़के की? उम्र 23 साल। कहाँ की घटना है? ये ग्राम सातपुर। अभी कहाँ पर आप लाए हैं सबको? PM हाउस, PM कराने के लिए। कैसे घटना हुई होगी, कुछ अभी जानकारी लगी है? हो सकता कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर से खत्म हो गया। मामला काफी गंभीर है, देखने लायक होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक युवक सड़क किनारे जिसका शव पड़ा हुआ था, शरीर पर काफी चोटों के निशान है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। खबरों में बात करते हैं मड़ियादो की, जहां पर ऐतिहासिक जोगी टावर नाले के पास स्थित खेत में नागडांगन के जोड़े को देखा गया।
जो प्रणय लीला कर रहे थे। दो जोड़े थे, एक जोड़ा तो बिल के अंदर चला गया जबकि दूसरा जोड़ा कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है यहाँ पर नाग नागिन के दो जोड़े प्रणय लीला कर रहे थे, लोगों की आहट पाकर एक नाग नागिन पास में ही बिल में घुस गए, वहीं दूसरा नाग नागिन का जोड़ा करीब 30 मिनट तक बीच खेत में प्रणय लीला करते रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज फार्मो की स्क्रूटनी थी। काफी बड़ी संख्या में समर्थक, प्रस्तावक एवं प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे। एक एक करके सभी पर सुनवाई की गई। दावे आपत्तियों का दौर चला। कई फार्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं, जिसके चलते कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। किस तरह का माहौल रहा, आई हम आपको दिखाते हैं। प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा हटा में महाआरती का आयोजन किया जाता है। स्थानीय माँ पीताम्बरा पीठ देव श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर हटा में मासिक महाआरती का क्रम संपन्न हुआ। सबसे पहले माँ गुरुवर की गगनभेदी जयकारे लगाए गए। गुरुवर के जयकारे विकेश साहू एवं माँ के जयकारे सरिता रेखवार के द्वारा लगाए गए। माँ भगवती की आरती की गई, गुरुवर की आरती की गई, साथ ही संगठन के सदस्यों के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। हमें शोभा के शाली में कि हमें चेतावान शिखर सानिध्य प्राप्त हो।
हुआ है, हमें जीवन जीने के लिए तो कई जन्म मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे किसी का सानिध्य बार बार प्राप्त नहीं होगा। हमारे गुरु जी ने कहा है कि अगर तुम भगवती मानव कल्याण संघ से दूर रहकर अगर तुम सोचो कि हम सुख शांति का जीवन जिएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हमारे संगठन से दूर रहकर के तुम सुख शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो हमें गुरु जी के सानिध्य में ही रह करके उनके मार्गदर्शन में चल करके ही हमें यात्रा तय करनी है। अगर समाज के लोग चाहते हैं कि यह देश कृषि सोने की चिड़िया बन जाए तो हमें सारे देश को नशे मास से मुक्त चरित्रवान बनाना ही होगा, हमें घर से बाहर निकलना ही होगा, तभी हमारा देश कृषि सोने की चिड़िया बन पाएगा। और इतना समझने की जरूरत है कि आज देखें इन भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा, इन भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज का इतना शोषण किया गया कि अच्छे को भी लोग नहीं समझ पा रहे। तो प्यारे भाइयों निवेदन है कि हमारी करनी और कथनी में। संजय सरवरे, लखड़ीसिया न्यूज। दमोहटा मार्फत बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई है जहां पर एक युवक को टक्कर मारे गए। युवक की स्थिति काफी गंभीर थी। डायल 100 के माध्यम से उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। देर रात्रि का यह मामला है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। पुलिस के द्वारा घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उसका उपचार जारी है। किशोर भैया कहाँ रहे? बारिश का मौसम आते ही कीड़े मकोड़े लगातार लोगों को अपना शिकार कर रहे हैं। सावधानी रखना जरूरी है। लगातार बिच्छू के काटने से दमोह जिले में मौत भी हो रही है। बीती रात एक और मामला सामने आया जहां पर बिच्छू के काटने के बाद सेमरा छक्का में एक महिला को बिच्छू ने काट दिया जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता महिला घर पर काम कर रही थी, इसी बीच बिच्छू ने उसे काट लिया। दादा का नाम है आपको? गुलाब पटेल। यानी कौन? कहाँ हो? कहाँ से आए हो? कब की बात है? दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हथनी के समीप एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि तेंदुखेड़ तहसील में पदस्थ खेत सिंह नाम का भ्रत घायल हो गया है। अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी है। हथनी तराहे के समीप काफ़ी भीड़ जमा थी लेकिन कोई भी घायल को लाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच डायल 100 को भी सूचना दी गई थी। वहीं मौके पर पहुंची महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी ठाकुर के द्वारा तत्काल ही पीड़ित की मदद की गई। वहीं डायल 100 में भ्रत को लेकर जिला अस्पताल पहुंची जहां उसका इलाज कराया। वहीं खेत सिंह की स्थिति काफ़ी गंभीर थी जिसे जबलपुर रेफर किया गया है।
था, इसको कैसे लेके आए हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, तो मैं अपने चुनाव प्रचार से वापस लौट गई थी और हथनी चौक पर देखा था काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो लेटे हुए थे, लेकिन कम से कम वहाँ पर 50 लोग खड़े होंगे और इन लोगों ने शायद डायल भी कर दिया था 100 डायल के और 108 के लिए, लेकिन वाहन ना आने के कारण वो उसकी सांसें जो हैं वो पल्स काफ़ी कम हो गई थी। जब मैंने देखा वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ भाड़ है, तो मैंने जानकारी दी तो बताया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और उनको कुछ नहीं पता था कि उनके साथ में भी कोई नहीं था, ना कोई बाइक थी ना कुछ था। लेकिन जब देखा कि उनकी पल्स काफ़ी कम हो गई थी तो तुरंत मैंने अपनी गाड़ी को पहले सोचा उनको रखूँ, लेकिन तुरंत उस समय 100 डायल आ गई, उसमें उस गाड़ी में उनको रखा जो अज्ञात व्यक्ति थे। बताया जा रहा है कि वो तेंदु पीड़ा के थे और उनको कुछ शायद सिर पे चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत यहाँ पर दमोह हॉस्पिटल लेकर आए हैं और डॉक्टर ने उनको प्राथमिक उपचार दिया है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दबाव। सागर के गड़ाकोटा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए पुरजोर मेहनत भी कर रहे हैं। इस दौरान कोई प्रत्याशी लोगों के पैर छू रहा है तो कोई मतदाताओं से हाथ जोड़कर वोट मांगते दिखाई दे रहा है। 25 जून को पहले चरण का मतदान होना है, इसके लिए प्रत्याशियों ने अपने तरीके से मतदाताओं के चौखट पर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता अपने समर्थकों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए घर घर जा रहे हैं। रैली में भाजपा नेता अभिषेक दीपक भार्गव के द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया गया। सागर के वार्ड क्रमांक 9 खैचरा, रैगवा, विजयपुरा, खिरिया सहित कई दर्जनों गांवों में उनके द्वारा जनसंपर्क किया गया। जिला पंचायत सदस्य संतोष पटेल के समर्थन में उनके द्वारा एक रोड शो भी किया गया। कल भी अपनी बात हुई थी 10 नंबर वार्ड में जब हम लोग रोड शो निकाल रहे थे और आज 9 नंबर वार्ड में रोड शो है। जैसी स्थिति 10 नंबर में 11 नंबर में है वैसी स्थिति हमारे 9 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड में भी है। यह मानकर चलिए कि चारों जिला पंचायत के वार्डों में हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी बहुत ज्यादा अंतर से जीत कर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी भी इन वार्डों में उतरे हुए हैं लेकिन जनता उन्हें पूर्णतः नकार रही है। हो सकता था कि उन्हें थोड़ा बहुत कहीं कहीं समर्थन मिले, अन्यथा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कई पंचायतें कई पुलिंगे तो ऐसी जाएंगी जहां पर उन्हें दो दो चार चार वोट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का हमारा सर्वे खुद इस 9 नंबर वार्ड में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को यह मानकर चलिए कि 10 से 12 पंचायतों में जनता ने इतना बुरी तरह नकार रहे हैं उन्हें कि शायद ही उनका खाता उन पंचायतों से खुले और हमारा प्रत्याशी 10,000 से अधिक मतों से इस वार्ड से जीतेगा। एक और सवाल है, जैसा प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत में चारों प्रतिनिधि जा रहे हैं, कोई बड़ा पद या महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ क्षेत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर रैली विधानसभा क्षेत्र के चारों वार्डों से जब प्रत्याशी विजय होकर आएगा तो भैया गोपाल भार्गव के आदेश से उनके प्रयासों से रैली विधानसभा के जिला पंचायत के सदस्य को हम उपाध्यक्ष का पद भी दिलाने का प्रयास करेंगे। रैली से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। सड़क किनारे मिला युवक का सब क्षेत्र में सनसनी। नगर पालिका पार्षद पद के प्रत्याशियों के फार्मों की गई स्क्रूटनी। B
बीजेपी में मची भगदड़। आज चौथे चरण में अनेक पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया पार्टी से इस्तीफा। वोट की खातर खच्चर पर सवारी। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।